पंछी है, उड़ जाएंगे हम, घूमेंगे जहां, छू लेंगे आसमां। पंछी है, उड़ जाएंगे। सूट नहीं कर रहा। ओप्स, लगता है तुम्हारे दोस्तों का भी यही ख्याल है। हुक इज कमिंग। माइकल, नीचे आओ फौरन। तुम लोगों ने हालत क्या की है इस कमरे की? मैं हजार बार समझा चुकी हूँ कि चीजें जगह पे रखा करो। पर मॉम, ये तो साफ है। ऑलमोस्ट। बिल्कुल भी नहीं। नीचे आओ और ये सब साफ करो। और इसमें तुम भी शामिल हो वेंडी, इनकी मदद करो। मॉम, मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी तस्वीरों की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए वेंडी, तुम इनकी बड़ी बहन हो, इनके लिए एग्जाम्पल बनो। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैं नहीं चाहती कि मॉम मुझे डांटे, इसलिए नेक्स्ट टाइम अपने सॉक्स जगह पर रखना। Hey Peter, ready for Neverland? Pleasure is all yours, Wendy. तुमसे मिलकर भी खुशी हुई टिंकरबेल। Hold on, कहीं भी जाने से पहले रूम क्लीन करना होगा। Really? लेकिन मुझे तो साफ लग रहा है। यही तो मैं कह रहा था। Come on, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। वेंडी, ये टाइम है कुछ फन करने का, और तुम्हें फिक्र हो रही है सफाई की। ओ, बड़ा बनने की कोशिश। याक। मैं बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रही, मॉम ने कहा सिर्फ इसलिए। एग्जैक्टली। तो ये क्या बन रही है? मॉम, पता नहीं, लेकिन 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 चांद निकल आया वेंडी, और अब हमें जाना होगा नेवरलैंड। ठीक है फिर, बस थोड़ी देर के लिए। ऑल राइट पीटर, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो क्यों लेकर जा रहे हो? नहीं रहने दो उसे।
सब कहाँ गए? वो सब बाहर गए हैं किसी स्टूपिड फ्लावर को स्टडी करने। नहीं, हम कहीं नहीं गए, हम यहीं पर हैं। क्या हम देख सकते हैं वो फ्लावर? नहीं, ये लड़कियों का काम है। एक काम करते हैं, इतनी देर में हम मर्मिट्स को देख के आ जाते हैं। क्यों ना चल के नेवर ट्राइब देखें। हुम्बा 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 पा, हुम्बा 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 पा। नहीं, हम चल के उस कैप्टन हुक का हमेशा के लिए खात्मा कर देते हैं। नो, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, समथिंग रियली एक्साइटिंग। नो, पहले भी यही कहा था कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और कितनी बोर हो गई थी मैं। ओ हाँ, वो तो बहुत 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 फनी नहीं था। आई नो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ टॉकिंग ट्रीज के पास। टॉकिंग ट्रीज, ये कहाँ है? द ग्रेट बुक में मैंने इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ा? हे, देखो तो जरा, ये वाकई बहुत अजीब है, लेकिन ये पेज मुझे पहले क्यों नजर नहीं आया? वो ट्री कहाँ है पीटर, मुझे देखना है। वेट वेट, टॉकिंग ट्रीज, जिन्हें आर्बरस और ब्लैबलमस भी कहा जाता है, ये काफी बड़े दरख्त होते हैं और इन्हें शोर बिल्कुल पसंद नहीं, तो इस चीज का हमें काफी ख्याल रखना पड़ेगा। पीटर, क्या तुम्हें वाकई लगता है ये अच्छा आइडिया है? आर यू किडिंग, हम बात कर रहे हैं टॉकिंग ट्रीज की। शर्त लगाता हूँ तुमने कभी नहीं देखे होंगे लाइफ में। हाँ, मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन सो कम ऑन, चलते हैं फिर। Yes, yes, Captain, मैं आ रहा हूँ। स्वी, it's disgusting. जी 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 कैप्टन, आप इतना गुस्सा दिख रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं है, इस शिप पे तुम्हें कचरा नजर नहीं आ रहा। स्वी, बाहर निकलो। कचरा कुंडी बना रखा है, बहुत हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। बुलाओ अपने लोगों को और साफ करवाओ इसे, आज का दिन सफाई का होगा। कैप्टन, मैं ये What? कि जो आपने फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है उतरने वाला, लेकिन बात ये है कि पायरेट्स का सफाई से ताल्लुक ना तो सुना है और ना ही कभी देखा है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करके देखूं। बंद करो अपनी बकवास, तुमने सोचा भी कैसे कि मेरे पायरेट्स सफाई करें? पायरेट्स सफाई नहीं करते है। एक पायरेट पायरेट वैसे करता क्या है? अगर हुजूर काम ना हो तो पायरेट सफाई कर भी सकता है, इसमें बुराई क्या है? कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो, पायरेट सफाई नहीं करते, सफाई करने के लिए और लोग होते हैं। बस किसी से लड़ने का दिल चाह रहा है मेरा, कोई ऐसा जिससे मैं सालों से बदला लेना चाह रहा हूँ। स्मी, क्या कोई है? पीटर पैन। स्मी, तो देर किस बात की है, वो बच्चा मुझे चाहिए। पीटर पैन। अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी फेरी डस्ट दूं तो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओगी। ये लो, शुक्र है जान छुपी। टू स्लो। हे, इस गेम में उड़ने का रोल नहीं है। तो फिर चले वेंडी? हाँ। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। हे बॉय, संभल कर, वहाँ खतरा हो सकता है। इतनी जोर की लगी है कि याददाश्त ही चली गई। क्या कर रहा था मैं? मैं अकेला हूँ तो ये मत समझना कि मैं इस जंगल से डर जाऊंगा, सोचना भी नहीं, क्योंकि अच्छे पायरेट्स कभी नहीं डरते। पकड़ लिया। माय टर्न। <turn. laughs>
इन बच्चों से काम लिया जा सकता है। हे इधर मकाका फुसकाटा। क्या? मकाका फुसकाटा पागल बंदर। ओके। इनाफ, क्या चुप रहने का मतलब नहीं जानते तुम लोग? तो क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं ठीक था ना? फन का कोई मुकाबला नहीं। ओके, यू आर राइट। मगर तुम शोर होना वहाँ कोई खतरा नहीं? ऑफ कोर्स, बस हमें खामोश रहना होगा जब तक हम पहुँच नहीं जाते पीटर उन टॉकिंग ट्रीज के पास। नादान लड़के, तुम बहुत शोर करते हो, परेशान कर दिया है तुम लोगों ने। याद है मुझे, मैंने वार्न किया था शोर शराबे से तुम लोगों को। मुझे मालूम था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, और उस वक्त तो बिल्कुल नहीं जब कोई और शोर करे। अच्छा, मगर ये याद रखो, मैं हेड चीफ हूँ नेवरलैंड का, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। चीफ हो किसके? ओ नो, अगर मेरे भाई यहाँ आ गए तो? प्लीज हमें माफ कर दें ग्रेट ओक, मुझे अपने भाइयों से बात करनी होगी क्योंकि वो इसी तरफ आ रहे हैं और वो बहुत नॉइजी हैं, मुझे उन्हें समझाना होगा। लिटिल गर्ल, अपने आप को परेशानी में मत डालो, मुझे तरीका आता है खामोश करने का। उनको आजाद करो अभी। पीटर, तुम किसी भी ट्री को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? ये नेवरलैंड है, यहाँ ऐसा होता है। ग्रेट ओक, प्लीज इन्हें माफ कर दे, इन्हें पता नहीं था। तुमने मेरी शाखें कटने से बचा ली, लगता है तुम वो वाहिद लड़की हो जिसकी बात पीटर पैन सुनता है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आइंदा खामोश रहना है। वादा? देखा ये कितने अच्छे हैं, बस इन्हें शोर नहीं पसंद। ग्रेट ओक, क्या हुआ? मेरी शाखें मत काटना। रुक जाओ। ओह नो, कैप्टन हुक। कैप्टन, कैप्टन, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते पीटर पैन। तुम बचोगे नहीं स्मेली जेली बेली करीब तो मेरे। मिस्टर स्मी, ये बोने क्या कर रहे हैं मेरे शिप पर? कहाँ है पीटर पैन? कैप्टन, असल में सोचे ये दोनों जरिया बन सकते हैं पीटर को पकड़ने का। जैसे ही वो इन दोनों को बचाने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। यस, बहुत अच्छे। मैं इनके टुकड़े करके इस हुक के साथ लटकाऊंगा और फिर उन्हें शार्क्स को खिला दूंगा और इस शिप की सफाई करवाऊंगा। कैप्टन, जब आप इन्हें शार्क को खिला देंगे तो इनसे सफाई कैसे करवाएंगे? उलझाया नहीं करो मुझे स्मी। मैं पहले करवाऊंगा सफाई, उसके बाद करूंगा जो भी करना है मुझे। लेकिन वेंडी, तुम जॉन और माइकल को इन पायरेट्स के रहमोकरम पर नहीं छोड़ सकती। मैं जानता हूँ उन्होंने शोर मचा के ट्रीज को बहुत परेशान किया, लेकिन ये सजा कुछ ज्यादा नहीं? ऑफ कोर्स मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम्हें सबसे दूर रहना होगा। तुमने हमें प्रॉब्लम्स में डाल दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। क्या? लेकिन मैं तो बस थोड़ा सा फन चाहता था, दैट्स ऑल। तुम्हारे इस फन के चक्कर की वजह से एक बार फिर प्रॉब्लम में आ गए। तो अगर तुम्हारे कहने पे चले तो फन खत्म। ये साफ करो, वो साफ करो, ये ना करो, वो ना करो, तुम्हारे लिए सफाई से बढ़ के कुछ नहीं। अब पता चला, तो ये सब मेरी गलती है, तो इसे सही भी मैं ही करूंगी। वेंडी, वेट। फाइन, तुम सब अकेले करना चाहती हो तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। हमें पीटर को बताना होगा। पर कैसे? शायद मैं मदद कर सकती हूँ। टिंक, तुम कब से यहाँ हो? जब से तुम लोग हो यहाँ, मैंने उस बदसूरत स्मी का पीछा किया। I don't believe this. तुमने कुछ क्यों नहीं किया जब हम ये गंदी बोट साफ कर रहे थे? Excuse me, सिर्फ गौर से देखो मेरी तरफ, मैं इतनी छोटी हूँ, इनका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? तो हमारे पास इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है? पीटर,
तो मैं उसे लेकर आती हूँ। क्या कर रहे हो? काम करो। वेंडी? हाहा, पकड़ लिया। वेंडी? बहुत चालाक बन रही थी वो भी हमारे सामने। और क्या? कहाँ है पीटर? कहाँ है पीटर पैन? कैप्टन, आप जरा ये सोचें कि अब तो पीटर जरूर आएगा, क्योंकि वो वेंडी और इन दोनों को मुसीबत में कभी नहीं छोड़ता। माइकल, जॉन, तुम लोग ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। मगर पीटर कहाँ है? वो हमें बचाने आएगा ना? अगर तो सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक होता रहा तो वो आएगा। पीटर, पीटर, हुक ने ट्रैप बिछाया है। तुम्हें जॉन और माइकल को बचाने के लिए एहतियात करनी होगी। तुम नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मिस मैं जानती हूँ का ख्याल है कि वो अपना ख्याल। वेट, ट्रैप? ओह नो, वेंडी। लेकिन पीटर, अगर उसने कहा है कि वो खुद कर लेगी तो तुम क्यों जा रहे हो? ओह नो, नो वे। हमने इस बोट के एक कोने से दूसरे कोने तक पोछा लगाया, सारे केबिन साफ कर दिया। आप चाहते हो हम तुम्हारे कपड़े भी धोएं? नहीं, क्या समझाए, मैं तुम्हारी नौकर हूँ। 21st सेंचुरी में खुशामदीद, क्योंकि इस सेंचुरी की माओ के अगर तुम जैसे बच्चे हो तो वो उनको मार मार के उनका हुलिया बिगाड़ देंगे। अब मेरी बात सुनो यंग लेडी। वेल हुक, मुकाबले के लिए तुमने बच्चों को चुना है, क्या सरप्राइज है। तो सब तैयार है इसमें? क्या ये मशीन गन है? में ये तो नहीं लिखा था। देखकर मैं इधर हूँ कैप्टन। अरे कहाँ चले? ये रहा। क्या बात है? क्योंकि तुमने हमारी शाखें बचाई थी इसलिए सोचा है कि माफ कर दिया जाए तुम्हारी पुरानी सब खताओं को। मगर ये मत भूलना पीटर पैन कि हमेशा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। नेवरलैंड के अपने खुद के रूल्स हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगा। ओह ग्रेट, माइकल और जॉन महफूज हैं। और वेंडी, पीटर ने तुम्हें भी बचाना था, है ना? तुम्हारी मदद के बिना ये नहीं हो सकता था टिंकर बेल। थैंक यू। पीटर के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब हम घर चले क्योंकि काफी देर हो गई है। एक मिनट, क्यों ना थोड़ा सा फन और किया जाए, क्या कहते हो? मैं सॉल्ट शेकर नहीं हूँ।
मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए पीटर। देखो फन करना जरूरी है लेकिन मेरे छोटे तुम अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हो, मैं समझ गया। लेकिन तुम्हें मालूम है वेंडी, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसके लिए मॉम है। अब तुम्हें बड़ा बनने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी तुम मुझे सरप्राइज कर देते हो पीटर पैन, जब तुम ये बड़ों जैसी बातें करते हो। ऐसा मत कहो प्लीज। ओके ओके, इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, हमें बहुत मजा आया हमेशा की तरह। बात सुनो तुम दोनों, फन बहुत हो गया लेकिन डोंट अब तुम वरी वेंडी, हम जानते हैं टाइम हो गया है रूम साफ करने का। चलो मैं भी तुम लोगों की मदद करती हूँ। नहीं नहीं, वो हम चाहते हैं कि तुम जाके अपने दोस्तों से चैट करो। तुम हमें वो कहानी बाद में सुना देना। हाँ क्यों नहीं। और सब बच्चे सिवाय एक के बड़े हो गए। बहुत जल्द उन्हें भी पता चल जाएगा जैसे वेंडी को पता चला। गुड नाइट।